असल जी मेरा नाम डॉक्टर इतशाम जान भट्ट और मैं पिछले पंद्रह साल से सी एस एस की सब्जेक्ट्स की टीचिंग के साथ वाबस्ता हूँ उन्नीस सेप्टेम्बर को डी एम आने का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने भी फिर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की कि अपनी डी एम शेयर करें और अपने ताकि मैं उनको अवेलुएट कर सकूँ और आपको आपके फ्यूचर अटैम्प्ट के लिए कुछ अपनी दानिश में बेहतर मशवरा दे देख आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग उन्नीस सेप्टेम्बर को नौ बजे रात तक लगभग कोई दो हजार के करीब आ, ब्राउन फिगर में डीएमसी जो है वो वसूल हुई तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था तो लेकिन हमने तमाम को ये मैसेज सर्कुलेट किया कि जी आप एक वॉइस नोट में अपनी भी जो है वो व्यू बताएं कि आप Uh, क्या समझते हैं एक सेपरेट नंबर दिया और उसमें भी हमें जो है वो तकरीबन कोई आठ सौ के करीब बच्चों ने भेज दिया जी अपना नोट भेज दिए नो बजे के बाद से लेके अब तीन बज गए और मैं इनमें से अभी तक सिर्फ कोई वन ट्वेंटी वन थर्टी को ही सुन पाया हूँ या उन्हें रिप्लाई कर पाया हूँ तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा फिर ये तो दो तीन दिन लग जाएंगे इसी तरह तो इस सिलसिले में फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये एक रिकॉर्डेड जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जो हैं वो तो सेवेंटी एट्टी परसेंट मैं देख चुका हूँ और उनमें से सिर्फ अभी एक सौ बीस एक सौ तीस बच्चे को ही मैं रिप्लाई कर हूँ इससे ज्यादा को नहीं कर सका सेवनटी एट्टी परसेंट डीएमसीज देख चुका हूँ बाकियों को तो अभी मैं ओपन भी नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने स्टूडेंट्स जो है वो आ, मेरे से मेरी सजेशन मांग लेंगे तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो इसमें हम पहले कंपल्सरीस पे बात करेंगे जी ये वीडियो आपको आपका जो पोर्शन रेलेवेंट पोर्शन जिसमें आपका इशू है कंपल्सरी में ऑप्शनल की वीडियो फिर बाद में बनाऊंगा कंपल्सरी में जहां आपको आप, इशू है तो मैंने ये कर दिया जी ये आप डायरेक्ट आ जाए आगे आपको मिल जाएगा वीडियो को आगे स्क्रोल करते रहेंगे पेज टू फर्दर करेंगे अच्छा पेज थ्री आ गया यहाँ से मेरी बात शुरू हो रही है पेज फोर पेज फाइव तो आपको आपके सेक्शन जो भी है उसको करके आप वीडियो को वहां पे ले जाए और वहां से आप देख लें क्योंकि ज़ाहिर है हर सब्जेक्ट में तो हर स्टूडेंट का इशू नहीं होता बहुत कम ही होते हैं कि जिनके सारे सब्जेक्ट्स के इशू होते हैं तो ये आप अभी हम शुरू करने लगे पेज वन से अगर आपका ऐसे का इशू है तो आप ये पहला पोर्शन स्किप कर देना ना सुने इसको आप आगे थोड़ा सा आगे जाकर देख लेंगे अच्छा ये पेज शुरू हो गया यहाँ से मेरी बात शुरू हो रही तो वहां से देख लें पेज थ्री शुरू हो गया वहां से देख लें ठीक तो ये इन तमाम डी एम सीजेंटी एट्टी परसेंट देख चुका हूँ उनकी बुनियाद पे फिर मैंने सोचा कि ये एक लेक्चर और ये फिर इन तमाम बच्चों को जिनकी मैंने डी देख ली जिनके जिनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया जिनको मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि नौ बजे से लेकर तीन बज गए और मैं सिर्फ डीएमसी देख रहा हूँ सुन रहा हूँ सो so, ये पॉसिबल नहीं होगा फिर कि मैं जो है वो कल का सारा दिन भी लगा रहा हूं, तो मैं शायद सबको रिप्लाई ना कर सकू इस वीडियो को सुनने के बाद भी अपने के एरिया के बाद भी अगर आपकी कोई इंबेगिटी है अगर आपका कोई इशू है तो देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे तीन नंबर जो हैं वो ओपन होते हैं और आप इनमें से किसी भी नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं लेकिन मेहरबानी वक्त जाया मत कीजिएगा अपना भी मेरा भी मेरा अगर इस वीडियो में आपके मसले का हल मौजूद है तो फिर तंग मत कीजिएगा प्लीज और अगर आपके मसले का हल नहीं आपको फिगर आउट हो रहा देन आप रहा कर सकते हैं अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर की सराउंडिंग में हैं तो Uh, मैं लाहौर में नहीं रहता मैं लाहौर से बाहर थोड़ा सा रहता हूं और अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं अच्छा जी पहले तो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा कि कोई बहुत ज्यादा कंपल्सरी पेपर से ना कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है ऐसे कंपोजिशन ये दोनों पेपर मिला के दोनों पेपर ये आपको कुछ भी देने दे, अस्सी से नब्बे के दरमियान बेस्ट है पास करने इन दोनों पेपर्स का टोटल आपका अस्सी से नब्बे के दरमियान है इससे ऊपर कुछ है वो बोनस है लेकिन इसमें होना चाहिए आपके जीके पेपर इन पेपर जनरल साइंस एंड एबिलिटी करंट अफेयर आपका अफेयर आपका करंट अफेयर पाक अफेयर एक्टिवली एक्टिवली मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी पेपर चेकर एक कोई स्ट्रिक्ट आ जाता है कभी एक का जरा लीनियंट आ जाता है पाकिस्तान अफेयर का पेपर चेकर पिछले दो साल से जरा स्ट्रिक्ट है इन दोनों पेपर्स में मिला के आपके नाइनटी टू हंड्रेड में अगर मार्क्स आ गए हैं ये एक एक बिल्कुल कोई हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं बना रहे बिल्कुल एक नेचुरल सा के हाँ यार इतने हो सकते हैं एटी टू नाइनटी नाइनटी टू जहां तक बात है जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामिक स्टडीज यहां आपके इन दो पेपर्स को मिला के हालांकि ये अलग अलग लेकिन क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपके पास मार्जिन है आप मैथमेटिक्स आप का पोर्शन एबिलिटी का पोर्शन मार्जिन है यहां पे थोड़े से नंबर ज्यादा लेने का इन दोनों पेपर्स का आपका स्कोर वो वन थर्टी के करीब होना चाहिए वैसे तो यहां पर जनरल साइंस में लट से हम सिक्सटी फाइव कर लें यहां सिक्सटी फाइव कर लें तो इनका टोटली बनेगा ना आपस में लेकिन एक एक फॉर्मूला बेस्ड आपको बता रहा हूं so, के कम अज कम एटी 90, वन थर्टी एवरेज स्टूडेंट वन थर्टी ये आपका कंपलसरी का एक अच्छा स्कोर है एक स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है किसी भी तरह ये आपका थ्री हंड्रेड बन जाता है ये आपका थ्री ट्वेंटी बन जाता है एनीथिंग बिटवीन थ्री हंड्रेड टू थ्री ट्वेंटी इसके दरमियान आपके कंपल्सरी का अगर जो है वो रिजल्ट है इस वक्त अगर आप फेल हैं नो प्रॉब्लम आप अपने पांच पेपर्स को देखें पेपर जिसमें आप फेल हैं उसमें फेलियर के मार्क्स तो लगे होते हैं ना जी उनको काउंट कर लें अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आप अपने आप को अंडर ना करें आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आप इस पेपर को जिसमें भी आप फेल हो रहे हैं उसमें अपने आप को पास में रख के देख लें बस क्या आप अगर इसमें फॉल कर जाते हैं तो आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है जी आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं अब उनको इम्प्रूव कैसे करना है वो अगले पेजेस में आप आ जाएंगी बातें लेकिन पहली बात ये कि अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जी मेरी दानिश में आप हैं अगर आप कंपल्सरी में इतने नंबर उठाते हैं तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इनको बेहतर किया जा सकता है लेकिन अगर आप अभी इसी में हैं टोटल आपका इसमें फॉल कर रहा है तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कोई आपको ये कहे कि नहीं आपसे नहीं होगा आप नहीं कर सकते अगर आप इन मार्क्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं चाहे आप दो सब्जेक्ट्स में फेल हैं चार में आपके मार्क्स हैं दो में आप फेल उन दो के पासिंग मार्क्स लगा लें पासिंग मार्क्स और उनका टोटल अगर आपका इस ब्रैकेट में आता है भी आप पोटेंशियल कैंडिडेट तो पहले तो ये अपनी हिम्मत बनाई रखें कि अगर आपको ये कोई कहता है कि नहीं नहीं दो में फेल हो गए हो और आप जो है वो नहीं क्या करोगे ये तो इतने कम नंबर और ये तो ये है वो है आप 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 उनको तो पासिंग में बस काउंट कर लें अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तो काफी स्टूडेंट्स का जो जो एक सिकोलॉजिकल बैरियर है ना जी वो यहीं पे टूट जाएगा जी और वो बिल्कुल अपने आप को जो है वो फ्रेश फील करेंगे सो तो ये तो एक जनरल कॉन्टेक्स था ये आइडियल नहीं है जी इट्स नॉट आइडियल याद रखिएगा ये सारी जो मैंने बनाई ये बनाई कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट अपने आप को समझें आप हैं अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल और इस ब्रैकेट में कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं है ठीक है आपके सिक्सटी यहां आ गए आप सेवेंटी यहां ठीक है जी अनरियलिस्टिक नहीं है ये मार्क्स एनीथिंग इन बिटवीन थ्री हंड्रेड टू थ्री ट्वेंटी आई वु सेवन थ्री हंड्रेड अगर आपका टोटल बनता है तो ठीक है आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट है अब आ जाते हैं स्पेसिफिक अगर आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जी अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी डीएमसी में इंग्लिश एसे का पेपर फेल है और वो 25 से 40 नंबर में फेल है तो एक बात तो जेर में रख लें कि आपका लैंग्वेज इशू नहीं है ये मत कीजिएगा कि आप दरा अब इंग्लिश के टीचर्स के पास जाके अपनी चेकिंग करवाते रहे आपका चेकिंग इशू नहीं है आपकी लैंग्वेज इशू नहीं है अगर आप 25 से 40 के दरमियान में आपका सीधा सीधा इशू है कि या तो आपने वहां पर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कर लिया या रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट कर लिया आपको कोई और स्टेटमेंट बेहतर हो सकती थी आपसे इसकी वजह से शायद उसको आपका आइडिया पसंद नहीं आया और आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक भी ठीक किए लेकिन आपकी ऑर्गुमेंटेशन आपकी आउटलाइन से वो सहमत नहीं हुआ उन्होंने कहा नहीं यार मजा नहीं आया अगर आप इस कैटेगरी में तो आपका मसला अंग्रेजी या अंग्रेजी की चेकिंग या अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है बहुत बड़ा सीरियस मसला नहीं है आपका मसला यही पे है इस पे काम करें और ये प्रैक्टिस से होना जितनी प्रैक्टिस करें उतनी काम है। अब इसमें आपको एक आ, केस स्टडी में आखिर में लेक्चर के आखिर में एक केस स्टडी भी मैं दी होगी आप स्क्रॉल करके चाहे आगे वहां चले जाएं या बाकी आप अपनी सुनना चाहते हैं वीडियो तो सुनते जाए तो वो आपको वो एक केस स्टडी भी आ, मैं जरूर बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस इस ऑर्गुमेंटेशन की प्रैक्टिस इस आउटलाइन की प्रैक्टिस ये इंग्लिश के टीचर ने उसको एक और नजर से देखना है बहुत कम टीचर है इंग्लिश के जो आपकी ऑर्गुमेंटेशन को वेट देंगे जो उस पर बात करेंगे वो लैंग्वेज की बात ही करेंगे आपके साथ बहुत कम टीचर आउटलाइन अंग्रेजी में लिखनी है लेकिन वो आपकी ऑर्गुमेंटेशन आपका आइडिया वो वहीं पर उसको कम्युनिकेट हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता बच्चा अगर आप लेस देन ट्वेंटी तो हंड्रेड परसेंट बात है कि चाहे आपका आइडिया उसको पसंद आया है, नहीं आया आपका लैंग्वेज इशू है आपको एक इंग्लिश के टीचर के कदमों में बैठने की जरूरत है मेरा ये एक्सपीरियंस पिछले पंद्रह सालों से इंग्लिश का कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता यानी आप उनके दरमियान कंपैरिजन बनाना शुरू कर देना कि ये टीचर तो फजूल है और ये टीचर तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है जी इंग्लिश के टीचर जब उन्होंने आपकी लैंग्वेज बनानी है ना जी तो सब बराबर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सी की मार्केट में क्या होता है सी एस एस के मार्केट में इंग्लिश के टीचर्स वो आपकी बेसिक ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते वो आपको एडवांस अगले लेवल पे लेके जा रहे होते तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपकी सराउंडिंग में कोई भी अच्छा टीचर ग्रेजुएट लेवल पर उससे ग्रामर अपनी सीखे, अपनी बेस बनाए तब आप किसी बड़े टीचर को ज्वाइन करें मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े टीचर्स को ज्वाइन ना करें वो एडवांस लेवल पे करवाते हैं काम अच्छा काम करवाते हैं सारे कोई भी बुरा नहीं होता लेकिन पहले अपनी लैंग्वेज पे बेसिक ग्रामर पे काम करें ये मेरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और नहीं, नहीं, वो आपके सामने रख रहा हूँ इससे नीचे आपके जितने भी नंबर हैं अगर और कम होते जाएंगे अगर आप लेस देन टेन में हैं तो हंड्रेड परसेंट ना उसको आपका आइडिया पसंद आया ना आपकी ग्रामर बेहतर थी ठीक है जी

आपको किसी इंग्लिश के टीचर की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के सर्कल में या इंडिविजुअली जितना भी एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम है ना जी इस पेपर का उस पर फोकस करना शुरू कर याद करें चीजों को कि कुछ 50 पेपर तो आपकी आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ पेपर है ना अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप उसको लैंग्वेज को मुकम्मल ही रीडिंग के साथ ही उसको सारे को अपने अपने अंदर जो है वो हलोल कर लें तो आप अपने एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर तकरीबन फिफ्टी परसेंट पेपर जो है वो कंपोजिशन का वो टेक्निक याद करने का पेपर है तो उसको यहाँ फोकस करें आपको किसी अंग्रेजी के टीचर की जरूरत नहीं अगर आप लेस देन ट्वेंटी में तो आपके भाई फिर सारे मसले हैं मौजूद हैं तीन मसाइल हैं और तीनों में से आपके दो भी हो सकते हैं तीनों भी हो सकते हैं प्रेसे में बिल्कुल आप आपको, आपको कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ट्रांसलेशन आप, आप बिल्कुल उर्दू से ना बल दें आप ट्रांसलेट ट्रांसलेशन करने की आपकी कैपेसिटी नहीं एंड साथ फिर आपका वो जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है जो मैं यहाँ बात करता इसी दो में भी आपका प्रॉब्लम है तो आप लेस देन ट्वेंटी फाइव में होंगे जी और अगर आप लेस देन फिफ्टीन में हैं, तो समझ लें कि आपकी ये तीनों प्रॉब्लम है अगर आप यहां पर आपका इशू है तो ये याद रखिएगा ट्रांसलेशन बेस बेस से डेवलप होती है अगर आपकी बेसिक्स नहीं है सेंटेंसेस की टेंसेस की यू you नो know, और आप बस इसको अपने ऊपर बस एक आर्टिफिशियल एक कोट डेवलप किया हुआ कि तो बस याद कर ली और बस चीजों को आ, समझ के नहीं आ, जो है वो ट्रांसलेट करना तो आपके लिए मसला होगा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही होती है स्टूडेंट्स को कि और ट्रांसलेशन आप ठीक है आप टीचर्स को कम्प्रीहशन भी जा रहे वो साथ ही पार्ट हो गया है इसका बुरादा नहीं है। सादी पार्ट हो गए तो एक ही पार्ट हो आपका इशू क्या है क्या आप रीडर रही हैं, अगर आपके ये 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 सारे मसले हैं, ये बड़ा मसला तो ठीक है आपने याद कर लेनी है चीजें आप रीडर नहीं आप मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट वो नहीं समझ और ये दुनिया का कोई उस्ताद आपको ये नहीं ये कैपेसिटी नहीं आपकी बना सकता ये कोई फार्मूला नहीं है कि इतनी लाइनें हैं इनमें से यहाँ से लेके यहां तक की लाइन में जो बात कर रहा है यही मेन बात है अब इसको आप अपनी आसान जुबान में आसान इंग्लिश में लिखते हैं ये कोई फार्मूला नहीं द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट वो आपने कम्युनिकेट करना उसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए और अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो फिर तुक्का है किसी भी इंग्लिश टीचर को ज्वाइन कर लें तुक्का है सारे अच्छे हैं कोई बुरा नहीं अगर आपके दोनों पेपर्स में 40 का इशू है तो बिलीव में आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है पहले मैं बता चुका हूं और अगर आपके दोनों पेपर्स में लेस देन ट्वेंटी फाइव का इशू है तो खुदारा सीएसएस के किसी भी टीचर को ज्वाइन करने से पहले किसी बेसिक लेवल पर इंग्लिश के टीचर को ज्वाइन करें बिल्कुल बेसिक लेवल जो आपकी अंग्रेजी जुबान की बेस बनाए और इसमें कोई आर नहीं है कोई शर्मिंदगी नहीं है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जाता है जाती है हम जाते हैं यू नो जो आपकी बेस बनाए उसके साथ अब एक महीना लगा लें दो महीने लगा लें, अपनी उस बेस के साथ उतने इस सीएसएस की तैयारी में हम हद तक समझते हैं कि यार अब हम सीएसएस के स्टूडेंट हैं तो हम ये करें ये तो आती आती हमें नहीं आती इस पे पे काइंडली फोकस करें अब आ जाते हैं जी जीके जनरल साइंस एंड एबिलिटी हर स्टूडेंट अपनी सेल्फ वैल्यूएशन कर सकता है जी बहुत रेयर बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो कहें मेरी एबिलिटी भी अच्छी है मेरी जनरल साइंस भी अच्छी है एक ना एक में इशू होता है स्टूडेंट को या अबिलिटी अच्छी होगी तो जनरल साइंस अच्छी नहीं होगी या जनरल साइंस अच्छी होगी तो बिलिटी अच्छी नहीं होगी बिल्कुल होता है या इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता यहां इस पोर्शन में आप अपनी सेल्फ वैल्युएशन आपने करनी अगर आपका दोनों में इशू है तो भाई मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है वन पर के जितने भी ये साइंस पोर्शन और ब्रिटिव पोर्शन होता है ना जी इसके एमसीक्यूज इसके ऑब्जेक्टिव टाइप की चीजें ना जी उनको ही बस आप याद करते हैं और इसी डोमेन में आप फिरते डोम यहां अगर आपके दोनों में इशू आ रहा है इसका मतलब आपका कोई मैथ का कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे तो जिस फेज में आप बेसिक इंग्लिश कर रहे होंगे उसी फेज में आप बेसिक मैथ बेसिक मैथ और बेसिक में आप बेसिक हैं? मैथ और बेसिक साइंस भी करें बेसिक मैथमेटिक्स कहां से है टीचर रखना पड़ता है ये मैं जितनी वीडियो बना रहा हूं उसमें टोटली आपको बता रहा हूं कि विदाउट टीचर आपने चलना विदाउट अकेडमी चलना बेसिक मैथ ले, ले फिफ्थ, सिक्स, एट्थ की मैथ एक एक दिन में आपने उसको प्रैक्टिस करके परे कर देना बेस बना रहे लें अगर आप नहीं कर सकते तो तब ठीक है आप टीचर ज्वाइन कर लें इंग्लिश के लिए तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है। वो तो मैंने कहा कि आप कोई टीचर ज्वाइन ना करें ये उनके लिए है यानी जिन्होंने एडवांस लेवल पर करना यहां पर तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो इंग्लिश के लिए तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जुबान उस्ताद के बगैर आप नहीं सीख सकते जी आप हर चीज सीख सकते हैं जुबान उस्ताद के बगैर आप नहीं सीख सकते आप हर चीज दुनिया की इवन न्यूक्लियर फिजिक्स आप वो किताबें दे दें कमरे में बंद कर दें बेस से स्टार्ट करें आप आहिस्ता आहिस्ता साल लगा लेंगे दो साल लगा लेंगे तीन साल लगा लेंगे आप न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना वो पढ़ लेंगे उसकी एक्सपेरिमेंट्स करने की पोजीशन में तो नहीं आएंगे लेकिन थेरी बेस उसको भी पढ़ लेंगे आप कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी आपको जुबान नहीं समझ आती जी जुबान के लिए आपको उस्ताद करना पड़ता है लेकिन अगर आपका यहाँ पे सेल्फ एवेलुएशन में जो भी आप समझते हैं कि एक पोर्शन हल्का आपका उसको भाई उसकी बेस से स्टार्ट कर उसकी बेसिक से तभी आप के मार्क्स उसमें बेहतर आना शुरू होंगे वरना नहीं आएंगे जितनी मर्जी आप अकेडमियों के सर पटक लें जितने मर्जी आप सीएसएस के टीचर्स को के, के फीसें दे लें कुछ भी कोई भादा नहीं कोई फायदा नहीं होगा उसकी बेस बनाए अब आ जाते हैं जनाब करंट अफेयर्स पे अगर आपके पचास ऊपर नंबर हैं तो मुबारक हो अगर आपके फोर्टी टू फिफ्टी तो ठीक है नंबर बुरे नहीं है लेकिन इनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता ये याद रखिएगा करंट अफेयर्स। दो उस्ताद हैं करंट अफेयर के जो सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं इस सी एस एस के मार्केट में दो उस्ताद उन दो उस्तादों को आपने छोड़ना नहीं है, अपने पेपर तक यकीन माने आप आपका पेपर कहीं कहीं जाएगा नहीं पहला है न्यूज़पेपर, यकीन माने आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं आप लोगों का यार छोटी 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 सी बातें इनसे क्या बनेगा लेकिन आप उनके पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं जैसे अभी मोस्ट रिसेंटली जायेद हुसैन का आर्टिकल आया कि जनाब पाकिस्तान में ये जो न्यू दोबारा से इंसर्जेंसी होगी है ये हमारी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की वजह से है उसका आर्टिकल आया कुछ तीन चार दिन पहले डॉन में अच्छा अब अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना आपको इसी हफ्ते के अंदर अंदर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में न्यूज में इससे मिलता जुलता आर्टिकल मिलेगा कि ये जो दोबारा से टीटीपी की रिसर्जेंस ये, ये क्यों हुई है उससे कोई ना कोई मिल जाएगी। वहां से एक आधा पॉइंट मिल जाएगा हमारी पिछले दो तीन सालों की दूसरे आर्टिकल में से एक आधा और पॉइंट मिल जाएगा यूं आपका करंट अफेयर पायलप होता है मजा आता है किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है ये न्यूज़पेपर सबसे बड़ा उस्ताद आपका यकीन मानिए हर तरह के इश्यूज किसी ना किसी तरह एड्रेस हो रहे होते हैं आपके पास रजिस्टर हो बस उसमें एक एक पेज को आपने एक एक टॉपिक लिखा हो उसके अंदर छोटा छोटा पॉइंट ही लिखना बस आपने दैट्स इट तो एक तो आपका बेहतरीन उस्ताद जो है ना जी वो न्यूज पेपर है जी मैं उनके लिए बात कर रहा हूं भाई जो फोर्टी से फिफ्टी में है कि उन्हें इंप्रूव कैसे करना ठीक है जी उनके लिए कह रहा हूं के वो फोर्टी से फिफ्टी में उनकी काफी चीजें बेहतर है उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना है एक चीज तो ये दूसरी चीज चार पांच आपके जर्नल्स हैं लोकल लेवल परिपरी है आई एस एस आई है मार्गला है एक दो और आर्टिकल्स पढ़े ओकेजनली पढ़ लें आपको किसी ना किसी ना बड़े स्कॉलर आपको पे कोई आर्टिकल मिल गया। आपने अखबारों में से हाइब्रिड पे निकाल निकाल के अपना एक पेज भर लिया लेकिन आपको हाइब्रिड बॉर के ऊपर किसी जर्नल में बड़ा आर्टिकल मिल गया अब वो जरूर बता के जाएगा कि हाइब्रिड पे फलाने वेस्टर्न स्कॉलर ने क्या कहा था वो जरूर बता के जाएगा

कोटेशन पे मरा मरता है बहुत मरता है ये बेस्ट उस्ताद है अगर आपने इनको ऊपर बढ़ाना है नंबरों को अगर आप चालीस से कम है तो दिल हल्का मत करें अगर आप चालीस से कम है तो आप इसका मतलब ये है कि ठीक है आप हो सकता है न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो लेकिन आप ना आप उसको याद कर रहे हैं बस जो भी इशू आपको फ्रंट हो रहा है रीजनल ग्लोबल इसको आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने वहां पर उसकी हिस्ट्री नहीं लिखनी आपने वहां कोई हिस्ट्री नहीं लिखनी किसी टॉपिक की लेकिन एज अ कैंडिडेट आपको उस इशू की हिस्ट्री का नहीं पता जब हिस्ट्री का उस इशू का नहीं पता ना तो आप जब लिख रहे होते हैं ना तो एग्जामिनर समझ आता है कि नहीं इसको ना कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कॉन्टेक्स्ट अलहदा से हैडर दे के हिस्ट्री अलादा से हैडर दे के ना भी लिखे ना आप तो आपकी तहरीर से पता लग जाता है कि इसको कुछ नहीं पता इस इवेंट का कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर इसको पता ही नहीं है कुछ तो वो आप इवेंट्स की इश्यूज की मोस्ट रिसेंट इश्यूज उनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना शुरू कर दें गो के ये पेपर में नहीं लिखनी लेकिन आपको पता होनी चाहिए सही है आपने कोई चीज कश्मीर पे याद कर ली आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आपने याद कर लिया पांच छह आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये अच्छी तरह याद कर लिया आप पेपर में गया, आपने कहा हिस्ट्री नहीं लिखनी टू द पॉइंट रखना कश्मीर इशू ये है ट्वेंटी सेंचुरी में ये हो रहा है कश्मीर में ये प्रॉब्लम है अब आप अपने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन बता रहे हैं ठीक है जी अब आपने सोल्यूशन तो बता दिए लेकिन आपको नहीं पता कि आपने यहाँ जो सोल्यूशन अपने या अपने व्यूज़ दिए हैं, की सूरत में आया था ये आज भी वैलिड है अगर हम इसको अप्लाई कर अब आप हिस्ट्री नहीं बता रहे आप ये नहीं बता रहे डिक्शन प्लान कैसे डिक्सन को कैसे अपॉइंट किया गया उसने कितनी मीटिंग्स की फिर उसने कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की

इस अटेम्प्ट में अगर आप फोर्टी से फिफ्टी में भी है ना अगर आपका रिजल्ट तो ओके है अच्छा है बहुत अच्छा क्योंकि पिछले दो सालों से चालीस में भी नंबर बात है लेकिन अगर इसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं सिंपल फार्मूला कोटेशन कम अज कम एक दो कोटेशन उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा जी वो कहां से निकाले हम

एक नजर घुमाएं आपको हजारों कोटेशन मिल जाएंगी हामिद खान की किताब है बाइबल है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे आपको हजारों के रेफरेंस मिल जाएंगे उसमें पाकिस्तान अफेयर में तीन पोर्शन ऐसे हैं जो आपके कनेक्टिविटी के साथ तैयार होने चाहिए सिलेक्टिव नहीं होना आपने उनमें Movement, of Pakistan, आपका दो चार पांच कर लिए दो अमेंडमेंट कर लिए बाकी को छोड़ लिया यही काम हो रहा होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट सफर करता है कनेक्टिविटी में पढ़ना और कनेक्टिविटी में पढ़ने के लिए आगे आपके और कोई एक साथ नोट फॉर्म की किताब दोनों का कॉम्बिनेशन वो चला लेते हैं तो होता ही अगर आप हैं लेस देन फोर्टी में इस अटेम्प्ट में नहीं इस अटेम्प्ट में अगर आप इवन लेस फोर्टी में हैं तो यही फॉर्मूला चलाएं आप क्योंकि पिछले दो साल से पेपर चेक सख्त आ रहा है लेकिन अगर इस अटेम्प्ट में आप लेस देन 25 हैं इस अटेम्प्ट में ये जो 2023 की अटेम्प्ट का रिजल्ट है इसमें अगर आप लेस देन 25 तो भाई फौरी तौर पर ये समझ जाएं फौरी तौर पर कि यहां भी आपकी बेस कोई नहीं है क्योंकि आधी बेस तो आपकी आ रही है ना करंट अफेयर से ही ज्यादा पेपर तो करंट अफेयर का ही आता है तो वहां भी आपकी बेस कोई नहीं है और आपकी पाकिस्तान अफेयर ये वाले पोर्शंस की भी बेस कोई नहीं फौरी तौर पर कोई बी लेवल की बी एस लेवल पर आए जाने वाली पाकिस्तान स्टडीज की किताब पढ़ना शुरू कर दें पहले चाहे उर्दू में पढ़ लें आपकी बेस नहीं है करंट अफेयर का भी आधा पोर्शन वो ही होता ना आधे से ज्यादा तो उनमें भी ज्यादा बेस नहीं है क्योंकि आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बेस कोई नहीं आपकी तो अपनी बेस बनाए तुक्के नहीं पान फेर कर सवाल का ये मैं स्टडी आखिर में साथ डिस्कस करूंगा अब आ जाते हैं इस्लामिक स्टडीज में जी। ये तो पहला मसला तो हमारे तालीमी निज़ाम का हो गया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है जहां तक आ गया फोर्टी टू सिक्सटी का ताल्लुक प्लीज आप कोट करें कुरानिक वर्सेस को कोट करें अब आप अरेबिक में कर रहे हैं इंग्लिश में कर रहे हैं ये आपको इस्लामिक स्टडीज का टीचर बताएगा लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर आप, जिस में चल रहे हैं, आप उसी मीडियम में कोट करें ठीक है जी तो, इंग्लिश में इंग्लिश में कोट करें उर्दू में जा रहे हैं तो उर्दू अरेबिक जिसमें भी आपने कोट करना कुरानिक रेफरेंसेस कोट करें हमारा जो इस्लामिक स्टडीज का कंसेप्शन है ना ये बड़ा करप्ट हो गया स्टूडेंट्स का हम सोशल मीडिया दौर में ना जी इस मैं इसको सोशल मीडिया दौर कहता हूं इसमें हमने बहुत करप्ट कर दिया हुआ अपने आप को हमने उन स्कॉलर्स को जो सोशल मीडिया पेन होते हैं उनको सुन सुन के सुन सुन के अपने जो है ना वो सो कॉल्ड बिलीफ बनाए होते हमने इस्लामिक स्टडीज का पेपर एक एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में करना है किसी रिफॉर्मर ने, ने जी किसी ने किसी पीर ने या किसी सोशल मीडिया पर वाइब्रेंट जो बड़े बड़े नाम है उन्होंने चेक नहीं करना आपका पेपर आपका पेपर एकेडमिक्स ने चेक करना है स्टेट का क्या नैरेटिव है आपकी, आपके आपके सिलेबस से रिलेटेड उस पर काइंडली फोकस करें अगर आप फोर्टी टू सिक्सटी में है कोट करें रेफरेंसेस कोट करें खुदा अगर आप लेस हैं मैट्रिक की किताब उठा लें या लेवल्स की उसके बाद एफ ए की ग्रेजुएशन लेवल की यहां से शुरू हो जाए अपनी बेस बनानी आपको कुछ नहीं पता आपको कुछ नहीं आता आप बस सी एस एस के ईगो अपनी, अपनी को हर्ट नहीं करने देना चाहते हाँ, मैं अभी ये बुनियादी सी चीजें और जो मोटी मोटी किताबें मार्केट में, में लिखा हुआ अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना बातें सिर्फ कंपल्सरी से रिलेटेड आप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे अपनी डीएमसी uh, भेजी अब दो चीजें डिस्कस करनी है आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत है। अच्छे हैं मार्क्स अच्छे मतलब फाइव फिफ्टी प्लस मार्क्स हैं एक दो फेलियर है अच्छे मार्क्स हैं ये बुरे मार्क्स नहीं है खास तौर पर जिनकी फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है ये बुरे मार्क्स नहीं है भाई थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है ऐसे तमाम स्टूडेंट नाइन इंग्लिश ऐसे इनका इशू है ज्यादातर जो मुझे आउटलाइन में नहीं अगर आपका नहीं है तो चौके आपको पीछे सारे एवेलुएशन तो मैंने कर दिया आपका जिस सेगमेंट में जो इशू है तो वो आप उसको उसको ऑन कर लें अगर आप करना चाहते हैं अगर फिर भी ऋष्वत मैंने अपने नंबर दिए हुए आप कर सकते हैं आप मुझे मिलने भी आ सकते हैं ऐसे ऐसे अब एसे का एक केस स्टडी आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कोई लैंग्वेज का टीचर तो हूं नहीं मैं तो इस स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने जा रहा हूं जो 25 से 40 में हैं भी कुछ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया जिन जो इसी ब्रैकेट में थे तो मैंने कहा यार कुछ कुछ लिखा होगा आपने कुछ चेक करवाया होगा इंग्लिश के टीचर्स को तो दिखाएं तो सही तो एक मुझे टॉपिक पे आउटलाइन पूरी पूरा ऐसे आया अब जो ऐसे आया वो ये सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर ठीक है जी अब स्टूडेंट ने जो आउटलाइन लिखी हुई है उसको वाजिया तौर पे देख के पता लग गया है कि उसने किसी बुक को क्या किसी ऑनलाइन सोर्स को भी ऑनलाइन चीज को भी नहीं देखा इसको करने से पहले उसने ऊपर अपनी थीसी स्टेटमेंट लिखी उसने नीचे लिख दिया जनाब कि सोशल मीडिया हैज द वर्ल्ड

सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर वो ग्रेट इक्वलाइजर की बात कहां हो रही है वो कहां नजर आ रही है आउटलाइन में कि होता क्या क्या ग्रेट इक्वलाइजर इक्वलाइजर की सोशल मीडिया इसका मतलब है कि कोई ए था कोई बी था कोई सी था कोई डी था ये ए या बी ये डोमिनेट कर रहा था बाकियों को सोशल मीडिया के आने से जो बाकी है ना जी अब वो कोई इंसान भी हो सकते वो कोई कंपनीज भी हो सकते, वो कोई सिस्टम्स भी हो सकते कुछ भी हो सकते जो कुछ भी है उनको मौका मिल गया, उनकी आवाज उनकी पहचान बनाने का उनको मौका मिल गया ग्रेट इक्वलाइजर यहां जो कुछ ये एज अ पर्सन एज अ कम्युनिटी एज अफियर एज एज ग्रुप जो भी था ये इसको ज्यादा एडवांटेज था और सोशल मीडिया ने आके एक होगा कि हाँ जी ये क्योंकि रिलेशनशिप्स देखे ना इनके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे सोशल मीडिया भाई उसको आउटलाइन में रिफ्लेक्ट करवाओ उसको पता लगे वो मैंने फिर वो स्पेसिफिक सेक्शन भी जाके पढ़ा कोई ऐसी बात नहीं थी मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं मैं लैंग्वेज का टीचर नहीं हूं लेकिन भाई आपका आइडिया तो जो आप बात करना चाहते हो उस पर आपकी क्लैरिटी कोई नहीं बस लिख दो और इंग्लिश के टीचर ने उसके यू 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 यू, यू। और जहां उसने गलती निकाली हुई है आउटलाइन में या आगे तो वो ये निकला भाई ठीक है उसने लिखा है जी अ ग्रेट इक्वलाइजर

जो लालो लाल कर दे वो अच्छा टीचर है उन्होंने मुझे पास कर दिया भाई कमाल है so, ये इंग्लिश के टीचर का काम है लेकिन पूरी आउटलाइन किधर से भी वो इसके नजदीक भी नहीं जाती जी इसके करीब भी नहीं जाती सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर गूगल कर ले अभी आप सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर ठीक है जी और तीसरा फिर और चौथा जो फिर आखिरी है हाउ सोशल मीडिया कैन फर्दर इम्प्रूव हाउ कैन सॉरी यहां पे आ गया, हाउ कैन सोशल मीडिया फर्दर इंप्रूव तो जी इसका क्या ताल्लुक आ गया जी इस बात से सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर लेकिन हम अपनी दानिस्त में अपनी लॉजिक में स्टूडेंट जोड़ लेता कि नहीं जी नहीं बिल्कुल बनेगा जी रेमेडी तो डालनी 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 वही ट्रेडिशनल स्टाइल है हाँ डाले आप सजेशन लेकिन ग्रेट इक्वलाइजर और बेहतर तौर पर ऐसे परफॉर्म कर सकता है तो यहां तो ये यह जेनेरिक हो गया ना वट आर दैलेंजेस टू सोशल मीडिया हाउ सोशल मीडिया कैन फर्दर बी इंप्रूव तो वो मेरे सब्जेक्ट मैटर के इर्द गिर्द तो नहीं घूमता वो उसको रिफ्लेक्ट हो वो नजर आ रही हो आइडिया की बात है सारी ऑर्ग्यूमेंटेशन की बात है सारी तो ये कॉमन सेंस है क्या आप स्टेटमेंट पे बात करनी है आप स्टेटमेंट पे जैसे भी बात करें वो आपकी अगली बात लेकिन वो स्टेटमेंट तो उसको रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही हो ना कि हाँ जी यही बात हो रही है यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और साथ ये वाला पॉइंट भी अगर मैं इसको हटा दू तो मैं लिख दू सोशल मीडिया ब्लैसिंग और कर्स क्या मैं लिख दू सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड सपोज तो ये बट ठोक दो बीच में आउटलाइन वो ऐसी ही कुछ तैयार की होगी बच्चे ने सोशल मीडिया पे एक आउटलाइन तैयार कर ली अब जैसी भी स्टेटमेंट आए उसमें ठोक दो मेरी तो तैयार है आउटलाइन ठोक दो बीच में इसी आउटलाइन में बच्चे ने लिखा सोशल मीडिया कनेक्टेड द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन अभी ग्रेट इक्वलाइजर कोविड नाइनटीन ने कैसे ग्रेट इक्वलाइजर क्या क्या सेंस बननी है इसकी किस ऑर्गूमेंट की स्टूडेंट के माइंड में है वो बना लेगा उसको लगता है उसकी लॉजिक बेहतरीन है कॉमन सेंस में चीज चलनी चाहिए एंड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारा अंग्रेजी का टीचर भी वो सिर्फ बस वो यूं कर रहे होते हैं ये ये बेटा ये वर्ड की जगह ये वाला वर्ड लिख लो ये, ये वो डिबेट में एंगेज नहीं होते अपने स्टूडेंट के साथ बात नहीं करते और मुझे तो अलहमद पिछले चार पांच साल से ऐसे स्टूडेंट ही मिलना खत्म हो गए में राजी भी हो कि हाँ यार ये इस तरह लर्निंग यही है अब स्टूडेंट ही नहीं आता वो शायद इसलिए इंग्लिश के टीचर भी अब बात नहीं करते आखिरी बात जो सवाल की बात थी करंट अफेयर पाक अफेयर याद रहे आपने सपोज शाह वली पर नोट्स बना लिए याद कर लिए रख के आप चले गए वहां पर सवाल आ गया ट्रेस पॉलिटिकल इंपैक्ट्स ऑफ शाह वली ऑन इंडियन हिस्ट्री शाह पे आ गया सवाल इंट्रोडक्शन तरीफों के पुल शाह वाली बता दिया कहाँ पैदा हुए कहाँ बड़े हुए क्या क्या, क्या किया किताबें लिखी सर्विसेज ऑफ शाह वाली बता दी सर्विसेज, सॉरी, आखिर में दो तीन एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, अब शाह पर क्रिटिकल एनालिसिस करेगा बच्चा

ओ भाई इसके बाद की इंडियन हिस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट देखना ना आपने ओपन एंड छोड़ दिया उसने जाहिर मतलब है इंडियन हिस्ट्री शाह वली के बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स देखने ना आपने असरात शाह वली के थोड़े बहुत चलो उसके दौर के बाकी तो उसके बाद के ना वो सर्विसेज पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है वो कहाँ पैदा हुआ उसने कौन सी किताबें लिखी क्या नहीं किया क्या नहीं किया एप्लीकेशन है जी आपको पता ही नहीं आगे क्या जो आपने याद किया आपने लिख दिया ठीक है जी आपको करंट अफेयर में आ गया जी सीपैक फेज टू पर सवाल आ गया जैसा भी सवाल है आपके टीचर ने या आपने सीपैक को होलिस्टिकली तैयार किया जिसमें फेज टू तो जो है वो बस एक एडर था लो जी आपने पैक शुरू करवाया बनवाया उसकी डिटेल्स बता दी उसका पहला फेज बता दिया उसका दूसरा बता दिया तीसरा बता दिया उसकी सिग्निफिकेंस बता दी उस पर होने वाले क्रिटिसिज्म्स बता दी जी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान बता दी लो जी ये तो सारा वो है जो आपके टीचर ने आपको एक पूरा टॉपिक तैयार करवाया था जो आपने कहीं से नोट्स फॉर्म में पढ़ लिया था ठोक दिया सारा उसने पूछा है आपने नहीं कि आपने अखबार नहीं पढ़े पढ़े होते आपको तीन से चार पॉइंट फेज टू के स्पेसिफिक आपने बता छुड़ा लेनी थी अपनी सवाल का जवाब दें ये जो चीज है सीएसएस की इस मार्केट में ना एक तरफ तो अकेडमी है दूसरी तरफ टीचर्स हैं और तीसरी तरफ अब ये एक नया ट्रेंड निकल आया हुआ ना चीज़। जी कि जी आए सवाल का जवाब सीखें हमारे से सीखें स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं अकेडमियों को भी टीचरों को भी सवाल का जवाब सीखें कोई नहीं सिखा सकता मैं एक टीचर हूं मेरे भी सेशंस होते हैं मेरे भी टेस्ट सेशंस होते हैं मैं बच्चों को मैं सवाल देता हूं और मैं खुद भी अटेम्प्ट करके फिर वो दिखाता हूं ये तो मार्केट है ना ये तो एफर्ट है मेहनत है हर कोई कर रहा है लेकिन बिलीव मी सवाल का जवाब का ताल्लुक आपकी अकल के साथ है और आपका इलम अगर ये नहीं है अकल का जितना मर्जी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा बच जाएंगे चार पांच नंबर आ जाएंगे ठीक है अकल भी नहीं है ठीक है तो फिर जीरो ही लाने हैं फिर समझ में नहीं आनी मैंने पेपर तो सारा किया था नंबर मेरे सतारह आए समझ में आनी नहीं, नहीं चीजें कोसेंगे या एम तो मेरे अठारह ठीक थे नंबर मेरे सतारह आए तो छोड़ें इसको आप बाकी बात करें कि ठीक है समझ लो तुम्हारे अठारह हैं ये एम के नंबर है क्या गुल खिलाया था चार सवालों में इस बात पे तो ना अपने आप को अब जो है वो पर्दे के पीछे छुपो के तुमने तो कहा अठारह ठीक थे सारा नंबर आ गए समझ नहीं आ रही क्या हुआ तो चीज ठीक है एक आधा चलो गलत भी हो सकता तुम्हें लगा ठीक है एक आधा गलत हो चलो लगा लो यार इसको चार सवालों में क्या गुल खिलाया वो ये गुल खिलाया कि नोट्स जो याद किए हुए थे वो जाके ठोक दिए वहां पे लिख दिए सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं चलो खुद अकल नहीं इस्तेमाल कर सकते सवाल का जवाब सीख लो किसी से अबल तो सीखा नहीं जाता लेकिन चलो सीख लो ता इसका अकल के साथ बड़े बड़े फिर पेचीदा तरीके से चार चार लाइनों के लंबे सवाल को आपको बताया जाता है बेटा इस सवाल के अंदर ठीक, ये इतने पोर्शन की बात है ये फिर ये वाला पोर्शन ये तीन पोर्शन है बेटा जिनको हम अंडरलाइन करके बेटा आपने यू करना है वो करना ये क्या है ये बुढ़शेट लेकिन क्या क्योंकि आप लोगों में अकल को नहीं तो ठीक है हमारे जैसे टीचर्स भी सेशन लगाते हैं कमाते हैं मेहनत करते हैं मेहनत के अपने पैसे लेते हैं ठीक है उस मेहनत से ज्यादा आपकी कम अकली के पैसे खाते हैं हम सारे टीचर्स सो so, ये तो थी सारी जो आपके कंपल्सरी से रिलेटेड uh, जो है वो जो मैंने ये डीएमसीज uh, देखी उसके बाद अब मैं ऑप्शनल क्योंकि ऑप्शनल में पेपर बहुत ज्यादा हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर वो भी एक दो दिन में आप लोगों के साथ जिन बच्चों ने भी अपनी डीएमसीज भेजी हुई उनके साथ फिर मैं ये शेयर जो है वो कर दूंगा ये आपको मिल रहा है आपने इसको इस तरह ही देख ली मजीद आपको कोई अगर आपके फिर भी स्पेसिफिक कंपल्सरी रिलेटेड कोई इशू आपका एड्रेस नहीं हुआ कोशिश तो मैंने बुरी की कि सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर लूं लेकिन नहीं भी हुआ तो ये मेरे तीन नंबर हैं आप मुझे जो है वो रहा कर सकते हैं मेरी रिहाइश लाहौर से थोड़ी सी बाहर है काला शाह काकू के पास तो जो यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं ना मोस्ट वेलकम वो तशरीफ ला सकते हैं ऑल द बेस्ट जी थैंक यू सलामैकम